नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूँ और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। आप सभी का स्वागत है। और आपको ये पता होगा कि बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत है कि उनके पेशाब में जलन महसूस होता है, पेशाब करते समय उनको दर्द महसूस होता है, चाहे वो मेल हो या फिर वो फीमेल हो। पेशेंट की हमेशा ये शिकायत होती है कि उन्होंने पानी भी पिया है, बहुत अच्छे तरीके से पिया है, बहुत अच्छी अमाउंट में पिया है, तभी भी उनको दिक्कत है। कई महिला को तो ये प्रॉब्लम होता है कि उनके बॉडी में, उनके प्राइवेट पार्ट में यूटीआई की इंफेक्शन बार-बार हो जाती है, उनको इंफेक्शन हो जाता है, लेकिन जानकारी के अभाव में उनको पता नहीं चलता है कि उनको इंफेक्शन हुआ है। अगर एक महिला की बात करें तो हम ये समझ सकते हैं, लेकिन यहां तक कि एक मेल को भी नहीं पता है कि अगर उनके पेशाब में जलन होता है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है और क्यों हो रहा है। वो उनको नॉर्मली समझते हैं, लेकिन नॉर्मल समझना चाहिए क्या? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है। जो बॉडी में अगर थोड़ा बहुत भी दिक्कत हमें महसूस होता है तो हमें उस पे एक्शन लेना है। किस लिए पेशाब में जलन होता है, किस वजह से पेशाब करते वक्त दर्द होता है और किस वजह से आपको अनकंफर्टेबल फील होता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, मेडिकल टर्म में हम उसको बोलते हैं डाइसूरिया। ठीक है, तो डाइसूरिया बोलते हैं। अब कहीं भी लिखा रहे, आप एक अगर मेडिकल के स्टूडेंट है तो आपको पता होना चाहिए कि शब्दों का क्या मतलब है। शब्दों पे कमांड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम आम आदमी की बात करें तो उसको तो बस ये पता है कि पेशाब में आपको जलन होता है, आपको वो बताएंगे, लेकिन जब आपको उनके जब आपको कागज पे लिखना होगा या फिर जब उनको देना होगा, जब आप उनको पर्ची बना करके देते हैं, तो उस कंडीशन में आप क्या लिखेंगे कि पेशाब में जलन होता है, ऐसा आप नहीं लिखेंगे। आपको सिर्फ एक वर्ड में लिखना होगा, डाइसूरिया। ठीक है, तो मेडिकल वर्ड, मेडिकल टर्म्स, ये सभी चीजें आपको पता होनी चाहिए। देखिए, कभी भी हमारा जो पेशाब का कलर है वो इस तरह कब होता है, इस तरह जब आप सुबह सुबह उठते हैं तब होता है। क्यों? क्योंकि रात भर आपने पानी नहीं पिया है, लेकिन पानी पीने के बाद आपका रंग सफेद हो जाता है पेशाब का, और वो बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन अगर आप पानी नहीं पिएंगे तो इसका जो कलर है वो और ज्यादा डार्क हो जाता है, जिसकी वजह से आपको पेशाब करते टाइम में जलन हो सकता है। दूसरा ये हो जाता है कि बहुत सारी महिलाओं को इन्फेक्शन हो जाता है, बहुत सारे पुरुष को पता ही नहीं है कि क्या कंडीशन है बॉडी में। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पेशाब का जो प्रॉब्लम है वो बहुत सारे लोगों को है, कोई शेयर भी नहीं करता है। हम किससे जाकर के शेयर करें, जानकारी किसी को नहीं है प्रॉपर, लेकिन यहाँ पे भटकाव बहुत ज्यादा है। कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, तो प्रॉब्लम्स क्या क्या होती है अगर आपके पेशाब में आपको जलन होता है, तो प्रॉब्लम्स क्या होती है। पहला कारण ये हो सकता है कि आपका जो किडनी है उसमें इन्फेक्शन हो गया हो। अब किडनी में इन्फेक्शन कहाँ पे होती है, किडनी होता कहाँ पे, देखिए ये पीछे की तरफ से, पीठ की तरफ से आपको यहां पे होता है किडनी। ठीक है, अगर मैं आपको सही से लोकेशन बताऊं तो किडनी आपके यहां पे होती है, इस वाले एरिया में। ठीक है, तो जब किडनी इस वाले एरिया में होती है, इसीलिए जब हम इसको आगे से देखते हैं तो हमें इस तरह के डायग्राम्स देखने को मिलते हैं। तो पीछे की तरफ से ये होता है और आगे की तरफ से जो यहाँ पे नाभि, ये हो गया, और नाभि के नीचे यहाँ पे क्या होता है, मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, प्राइवेट पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो इन्फेक्शन कैसे हो जाता है, किसी को भी इन्फेक्शन आपके डायरेक्ट किडनी में नहीं होता है। ये क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसका एक रीजन है। इन्फेक्शन कहां से आएगा, बॉडी के अंदर में खुद से खुद इन्फेक्शन कैसे होगा, होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। जब भी कोई मेल कहीं ऐसे गंदे जगह पर जब वो पेशाब करते हैं, फिर अपने हाथ को धोए बिना अपने प्राइवेट पार्ट को टच करते हैं, तो आपके पेनिस से वो वाला इन्फेक्शन यहां पे आपके ब्लैडर तक पहुंच जाता है। ब्लैडर को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, ब्लैडर को हम हिंदी में बोलते हैं मूत्राशय। अब मूत्राशय का मतलब क्या है कि यहां पे पेशाब इकट्ठा होता है और समय समय से आपके पेनिस के माध्यम से फिर बाहर आता है। एक मेल में पेनिस के माध्यम से स्पर्म भी सेम रास्ते से बाहर आता है, तो इसका मतलब है कि आपको और ज्यादा साफ सफाई रखने की आवश्यकता है। और दूसरा आपको ध्यान देना है कि आपको कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, क्योंकि जो पेनिस का आगे वाला जो पार्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं ग्लैंड्स पेनिस, तो जो आगे वाला पार्ट होता है, जब स्किन हट जाता है तो वो वाला पार्ट काफी डेलिकेट होता है, काफी वो सेंसिटिव होता है, जिसकी वजह से अगर आपने गंदे वाले हाथ से, बैक्टीरिया वाले हाथ से उसको टच कर दिया,
तो हो सकता है कि आपको इन्फेक्शन हो जाए। लेकिन यहाँ पे एक और ये कंडीशन होता है कि अगर एक मेल की बात करें और अगर एक फीमेल की बात करें, दोनों में से इन्फेक्शन जल्दी फीमेल को होगा, क्योंकि फीमेल का जो प्राइवेट पार्ट है उसका जो डिस्टेंस होता है ब्लैडर से वो कम होता है, लेकिन एक मेल का जो डिस्टेंस होता है वो ज्यादा होता है। इसीलिए मेल में फीमेल की अपेक्षा इन्फेक्शन कम होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक मेल को इन्फेक्शन नहीं हो सकता है, आपको भी होगा। क्योंकि अगर आपने साफ सफाई नहीं की, अगर आपने अपने प्राइवेट पार्ट्स की सफाई नहीं की, अपने अंडरगार्मेंट्स की सफाई नहीं की, तो आपको भी इन्फेक्शन होगा। दूसरा, अगर आपको इन्फेक्शन यहां से हुआ है तो इन्फेक्शन बाहर से ही होगा, मतलब ऊपर से नहीं होगा, अंदर से प्राइवेट पार्ट्स में पहले लगेंगे, फिर ऊपर आपके ब्लैडर में इन्फेक्शन होगा। और जब ब्लैडर में इन्फेक्शन होता है तो हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं सिस्टाइटिस। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ब्लैडर के अंदर वाला जो भी लेयर है उसमें हल्का सा सूजन हो जाएगा, स्वेलिंग्स हो जाएंगी वहां पे। उसके बाद अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपका जो इन्फेक्शन है वो ऊपर की तरफ जाएगा। देखिए किस तरह ये ऊपर की तरफ जा रहा है, और ये जो छोटे छोटे बैक्टीरिया है ये देखिए ये इस तरह के होते हैं, और माइक्रोस्कोप में देखने से ये आपको दिखते हैं, आपके पेशाब में भी ये बैक्टीरिया मौजूद रहते हैं। इसीलिए हम यूरिन की एनालिसिस करते हैं, जब भी हमें पता लगाना होता है कि आपका जो पेशाब है वो संक्रमित है या फिर नहीं है। तो आपको समझ में आया कि बाहर से अंदर की तरफ इंफेक्शन गया और अंदर से लास्ट में आपके किडनी में इंफेक्शन हो जाता है। तो किडनी में इंफेक्शन सबसे बाद में होता है। अब हमारे बॉडी में किडनी का क्या काम है, किडनी का काम यही है कि आपके बॉडी में ये जो आपका पेशाब है उसको छानने का काम करती है। बॉडी में आपके खून के साथ साथ आपका जो भी वेस्ट होता है वो पेशाब के माध्यम से छान करके किडनी ही बॉडी से उसको बाहर निकाल देती है। लेकिन अगर आप कम पानी पीते हैं तो किडनी पे फिर लोड पड़ता है, उस पे प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से इसको अगर कम पानी मिलेगा तो आपकी बॉडी में स्टोन होने की संभावना बहुत ज्यादा बन जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आपने कम पानी पिया है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन कम पानी पीने की वजह से आपको किडनी में स्टोन हो गया है। यह समझ में आ गया कि आपको इंफेक्शन किस तरह से होती है। अगर एक मेल है आप तो मैंने आपको यहां पे बताया कि किस तरह से यूटीआई हो जाता है, जब आपके पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन हो जाए, मतलब यहां पे देखिए इस वाले रास्ते में इन्फेक्शन हो जाए तो आप क्या बोलेंगे, तो आप बोलेंगे कि मुझे यूटीआई हो गया, क्योंकि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन इसको हम बोलते हैं। ये फीमेल में भी होता है, तो फीमेल पे हम बाद में आएंगे, पहले हम मेल की बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए यूटीआई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, ट्रैक का मतलब होता है उस ट्रैक से, उस रास्ते से पेशाब बाहर जाता है, इसीलिए इसको हम यूटीआई बोलते हैं। जब ब्लैडर में इन्फेक्शन हुआ तो हमने क्या बोला, ब्लैडर में जब इंफेक्शन हुआ तो हमने बोला सिस्टाइटिस, क्योंकि उसके अंदर में फिर स्वेलिंग हो गई। अब ब्लैडर के ऊपर क्या होता है, देखिए ब्लैडर के ऊपर हो गया किडनी, लेकिन ब्लैडर के जस्ट नीचे अगर हम यहां पे आप देखेंगे डायग्राम को, तो ब्लैडर के जस्ट नीचे यहां पे मैं थोड़ा सा इरेज कर देती हूं, ये देखिए ठीक है, ब्लैडर के जस्ट नीचे एक छोटा सा पार्ट आपको दिखता है, इसको हम बोलते हैं प्रोस्टेट। अब प्रोस्टेट ग्लैंड में फिर प्रॉब्लम हो जाती है। इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर आपके पेनिस में इन्फेक्शन हुआ है तो सबसे पहले पेनिस के बाद आपके प्रोस्टेट ग्लैंड में इन्फेक्शन हो जाएगा, ब्लैडर में इन्फेक्शन होने से पहले। क्यों, क्योंकि ये वाला पार्ट अखरोट के जैसा होता है, साइज में अखरोट के जैसा होता है, और अगर इसमें सूजन आ गई तो बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि जो आपका स्पर्म है वो यहां पे आ करके फिर प्रोस्टेट ग्लैंड एक लिक्विड जैसा पदार्थ को निकालता है, स्पर्म उसमें मिक्स होकर के उसके बाद आपके पेनिस से बाहर आता है, जो ऑलरेडी मैं कल के लेक्चर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूं, बहुत अच्छे से आपको बताई हूं कि किस तरीके से प्रोस्टेट ग्लैंड में दिक्कत हो जाती है। तो एक और दिक्कत होता है जिसको हम बोलते हैं BPH, इसको हम क्या बोलते हैं, बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यही है कि आपके प्रोस्टेट ग्लैंड में सूजन हो गई है, इन्फेक्शन हो गई है, वहां पे बैक्टीरिया ने अटैक कर दिया है, जिसकी वजह से आपको बार बार पेशाब आता है, पेशाब में आपको जलन महसूस होता है, आपके पेट में या फिर पेट के आसपास या फिर नाभि के आसपास पीठ के पास आपको दर्द महसूस होता है, रात में आप 4 बार से अधिक पेशाब करते हैं और आपको बार बार पेशाब लगता है। जब बार बार पेशाब लगता है, पेशेंट आपको बोलेंगे मुझे बार बार पेशाब लगता है, उसको मेडिकल टर्म में क्या लिखेंगे, उसके पर्ची पे मेडिकल टर्म में हम लिख देंगे पॉलीयूरिया, ठीक है,
तो बार बार पेशाब लगने को हमने बोला पॉलीयूरिया। इतना समझ में आ गया? तो सबसे पहले पेनिस इन्फेक्टेड हुआ, देन प्रोस्टेट ग्लैंड इन्फेक्टेड हुआ, उसके बाद आपका ब्लैडर इन्फेक्टेड हुआ, उसके बाद आपका ये वाला इसको हम क्या बोलते हैं यूरेटर। तो जब यूरेटर में इन्फेक्शन लगता है तो हम क्या बोलते हैं, यूरेटर में जब इन्फेक्शन लगता है तो हम बोलते हैं यूरेटराइटिस। ठीक है, क्योंकि यूरेटर में इन्फेक्शन लगा है। मैंने आपको क्या सिखाया है, किसी भी शब्द के लास्ट में आइटस लगा रहे इसका मतलब यही होता है कि उस अंग में सूजन हो गई हो। अगर लीवर में है, तो आप क्या बोलेंगे, अगर लीवर में सूजन है तो आप बोलेंगे हेपेटाइटिस। अगर आपकी बॉडी में कहीं भी पैनक्रिया में इन्फेक्शन है तो आप बोलेंगे पैनक्रियाटाइटिस। तो आइटस लग जाता है किसी भी अंग में अगर इन्फेक्शन हुआ तो। रीनल इन्फेक्शन, अब किडनी किस चीज से बना हुआ है, अगर किडनी में इन्फेक्शन हो जाता है, अगर इसमें अगर सूजन हो जाता है तो किडनी भी हमारे छोटे छोटे नेफ्रॉन से बनी हुई है जिसका स्ट्रक्चर इस टाइप से होता है अगर हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो ये ऊपर में कप टाइप का होता है और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं नेफ्रॉन। दोनों में अंतर समझिए, नेफ्रॉन होता है जो कि हमारे किडनी में होता है और न्यूरॉन होता है जो कि हमारे ब्रेन में मौजूद होता है। तो दोनों में फर्क है, जो हमारा न्यूरॉन होता है उसका जो आकार होता है वो इस टाइप का होता है, ये इस टाइप का, ठीक है, तो ये इस टाइप का होता है। लेकिन जो नेफ्रॉन होता है उसका कप शेप का होता है, जिस तरह हमारे बॉडी में, जिस तरह हमारा बॉडी कैसे तैयार है, बहुत सारे अंगों से मिलकर तैयार है, बहुत सारा अंग यहां पे मिला हुआ है तब जाकर के हमारा बॉडी बना है। ठीक इसी तरह बहुत सारे इस टाइप के नेफ्रॉन मिलकर के ये आपका एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। लाखों की संख्या में होते हैं एक साइड और ये लाखों की संख्या में दूसरे साइड होते हैं, मतलब इनसे ही ये बने हुए हैं। और जब हम उसको बाहर से देखते हैं तो हमें ये दिखाई देता है, लेकिन जब हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हमें ये नेफ्रॉन दिखाई देता है। अगर नेफ्रॉन में इन्फ्लेमेशन हो गई हो, किडनी में जब प्रॉब्लम आती है तो सूजन तो इसमें होगा ना, तो जब इसमें सूजन होता है तो हम क्या बोलते हैं, नेफ्राइटिस। तो सभी शब्दों को याद करके रखना है। तो हमने इतना समझ लिया कि अगर आपके पेशाब में जलन होता है तो हो सकता है कि आपको यूटीआई की प्रॉब्लम हो सकता है कि आपको सिस्टाइटिस की प्रॉब्लम हो सकता है कि आपको प्रोस्टेटाइटिस की प्रॉब्लम हो, आपके प्रोस्टेट ग्लैंड में दिक्कत हो सकता है कि आपके यूरेटर में इन्फेक्शन हो गया हो, या फिर हो सकता है कि आपके किडनी में इन्फेक्शन हो गई हो। यह मेल की बात हो रही है यहां पे, ठीक है। यहां पे हमने समझ लिया कि किस तरह से ऊपर की तरफ जाता है बैक्टीरिया और किडनी कहां पे होती है। अगर आप जाएंगे तो कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि आप जब पेशेंट से पूछते हैं कि अगर आपको पेशाब में जलन होता है तो क्या झाग बनता है, क्या आपके पेशाब में आपने अपने बॉडी का कुछ भी देखा है कि वहां पे खून आ गया हो कुछ भी, तो कोई बोलेंगे आपको कि हाँ मैंने देखा है कि मेरे पेशाब में खून की कुछ बूंदे आई है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि अगर इन्फेक्शन सीवियर हो जाता है तो उस कंडीशन में भी आपको पेशाब में खून देखने को मिल सकता है। खून ज्यादा नहीं होता है लेकिन खून कम होता है, तो पेशाब का जो रंग है वो हल्का सा लाल या फिर हल्का सा गुलाबी कलर का भी हो जाता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर किसी के किडनी में स्टोन हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं रीनल स्टोन, अगर किसी के किडनी में स्टोन हो जाता है उसकी वजह से भी उनको पेशाब में जलन महसूस होता है, पेशाब में करते वक्त दर्द होता है और आपके पेट के पास, आपको यहां पे पीठ के पास या फिर पेट के पीछे आपको दर्द महसूस होगा या फिर नाभि के नीचे भी आपको दर्द महसूस हो सकता है, क्योंकि आपको वहां पे यूरेटर आपका रहता है। देखिए इसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है, सूजन हो जाता है, इसमें हो जाता है सूजन, ये थोड़ा सा साइज में बड़ा हो जाता है, यहां पे आप देखेंगे काफी ज्यादा ग्लैंड्स पेनिस आपका रेड रहेगा। तो ये सब क्या है, ये सब इंफेक्शन के लक्षण है। आपको ऐसा महसूस होगा, आपको बुखार भी लग जाता है। देखिए एक बात आपको हमेशा याद रखना है, बॉडी में अगर आपको इंफेक्शन कहीं भी होता है तो आपका बॉडी आपको बताता है कि आपके बॉडी में बाहर से कोई बैक्टीरिया ने अटैक कर दिया है। कैसे, फीवर लग जाता है, जब भी फीवर लगे तो उसको हल्के में मत लीजिए, हल्के में लेना अच्छी बात नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको फीवर रिपीट करके हो रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको टीवी नहीं है, कोई कैंसर नहीं है, कोई आपको डेंगू नहीं हुआ है, इसका मतलब है कि बॉडी में इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है। तो किडनी में स्टोन हो जाता है, अब किडनी में स्टोन कैसे होता है, देखिए यहां पे भी हो सकता है स्टोन, यहां पे हो सकता है, यहां पे हो सकता है, किडनी के अंदर, ये किडनी है आपका, इसको अगर हम काट देंगे तो उसके अंदर आपको इस टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है और यहां भी स्टोन हो जाता है इस तरीके से, यहां पे फिर ये फिसल करके आ जाता है। अगर स्टोन की साइज
5 से 6 mm है तो वो आपके पेशाब के रास्ते से बाहर निकल जाएगी, लेकिन अगर साइज इसकी 6 mm से ज्यादा है तो फिर ये यहीं पे अटक जाता है और ताकि आपको उस टाइम में तकलीफ फील होती है, तकलीफ फील करवाता है ये, ठीक है, दर्द बहुत ज्यादा तेजी से होता है। तो इस तरीके से बहुत सारे स्टोन भी हो जाते हैं आपके किडनी में, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब जब ही भी आपको इन्फेक्शन होता है तो आप समझ लीजिए कि इस तरीके से इन्फेक्शन लगा, बैक्टीरिया इतनी छोटी सी होती है, आपको पता लगता है क्या कि बैक्टीरिया कहां से आया है? बैक्टीरिया आपके बॉडी में स्किन से आ सकता है या फिर रेक्टम, रेक्टम क्या होता है, जहां से आप मल पास करते हैं उसी को हम रेक्टम बोलते हैं। तो आपके मल में से वो बैक्टीरिया आपके पेशाब के रास्ते में ट्रांसफर हो जाता है, तो आपको साफ सफाई का तरीका भी पता होना चाहिए कि जब भी आप अपने बॉडी की साफ सफाई करते हैं तो किस डायरेक्शन में करें, क्योंकि अगर आप मल द्वार से आगे की तरफ साफ सफाई करेंगे तो आपका मल द्वार से जो बैक्टीरिया है वो आपके पेशाब के रास्ते में ट्रांसफर हो जाएगा। तो हमेशा पेशाब के रास्ते की तरफ से मल द्वार तक यहां पे सफाई करनी चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं पेरिनियल हाइजीन। अगर हम एक फीमेल की सफाई करते हैं उस कंडीशन में, क्योंकि फीमेल का जो पेरिनियल एरिया होता है और जिसका मल द्वार होता है वो काफी छोटा होता है। अब पेरिनियल एरिया क्या है, अगर एक फीमेल की हम बात करें तो यहां पे होता है वजाइना और यहां पे है मल द्वार, तो इस वाले एरिया को हम बोलते हैं पेरिनियल एरिया। इतना समझ में आ गया, तो उतना ज्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन नॉर्मली मैं आपको बता दूं कि आपकी स्किन, आपके हाथों से स्किन के ऊपर लगा हुआ बैक्टीरिया या फिर आपके रेक्टम में मौजूद बैक्टीरिया ही आपके ब्लैडर में चला जाता है, आपके पेनिस में चला जाता है, तो आपको आगे भी यहां पे दर्द महसूस हो सकता है। आपको इतना समझ में आ गया। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि अगर उनके पेशाब में जलन महसूस होता है तो हो सकता है कि उनको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो जाए, जिसमें आपका आता है गोनोरिया, जिसमें आपका आता है सिफिलिस। और गोनोरिया सिफिलिस क्या होता है मैं ऑलरेडी डिटेल लेक्चर ले चुकी हूं। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कौन सी रोग होती है, ऐसे रोग जो कि सेक्स करने की वजह से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर हो जाता है, ये दोनों को होता है, मेल को भी होता है और फीमेल को भी होता है। सिफिलिस और गोनोरिया अगर आपको हो गया हो तो आपको पता लगता ही नहीं है बहुत टाइम तक कि आपको ये वाली प्रॉब्लम है, लेकिन आपके पेशाब में जलन होना, पेशाब करते वक्त दर्द होना, ये सभी जो है वो आम है, कॉमन है। अगर एक महिला की बात करें तो कभी कभी फंगस के इंफेक्शन मेल को भी लगते हैं, फीमेल को भी लगते हैं, लेकिन जो फंगस का इंफेक्शन है वो फीमेल को ज्यादा लगता है। अब फीमेल को ज्यादा क्यों लगता है, सबसे पहले अगर कोई महिला है और वो प्रेग्नेंट है तो प्रेग्नेंट के टाइम में, प्रेगनेंसी के टाइम में उसके बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं, कौन से हार्मोन्स होते हैं, मेन भूमिका एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन हार्मोन उसके बॉडी में काफी हाई लेवल पे रहता है। जब एक महिला के बॉडी में जब एक बच्चे का विकास हो रहा होता है तो उसके बॉडी में हार्मोन्स का उथल पुथल होता है। हम सभी जानते हैं कि जब हम बड़े होते हैं तो हार्मोन्स की वजह से होते हैं, हमारे बॉडी में जो भी परिवर्तन होता है, अंडर आर्म में जो हेयर्स आते हैं, प्यूबिक एरिया में जो हेयर्स आते हैं वो हार्मोन्स की वजह से होते हैं, लड़कों में दाढ़ी मूंछ हार्मोन्स की वजह से होता है, लड़कों में टेस्टिस में स्पर्म बनना हार्मोन्स की वजह से होता है, एक औरत पीरियड उसको आता है वो हार्मोन्स की वजह से होता है, एक औरत प्रेग्नेंट हो जाती है उसको हार्मोन्स की वजह से ये सभी चीजें होती हैं। फीमेल का जो वॉइस है वो मीठा हो जाता है, हार्मोन्स की वजह से होता है, मेल का जो वॉइस है वो हल्का सा कर्कश टाइप का हो जाता है, वो हार्मोन्स की वजह से ही होता है। तो सारा खेल तो हार्मोन्स का है, कंट्रोल कौन करता है, ब्रेन करता है। तो यहां पे एक महिला प्रेग्नेंट है और उसकी बॉडी में प्रेगनेंसी के टाइम में हार्मोन्स, कौन सी हार्मोन्स, एस्ट्रोजन काफी ज्यादा मात्रा में रहती है ताकि उस बच्चे को सपोर्ट मिल पाए। उस कंडीशन में एक महिला के बॉडी में प्राइवेट पार्ट में यहां पे कैंडिडा फंगस, कैंडिडा फंगस दोनों के इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो उस वजह से भी उनको यूटीआई की समस्या हो जाती है, मतलब उनके पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन हो जाता है, उनको दर्द महसूस होता है, तो उनको बहुत तेज तकलीफ होती है पेशाब करते वक्त, उनको जलन भी होता है, दर्द भी होता है, अनकंफर्टेबल उनको फील भी होता है। बहुत सारी महिला परफ्यूम यूज करती है अपने प्राइवेट पार्ट में, तो जो केमिकल्स वाले प्रोडक्ट्स होते हैं उसकी वजह से भी वहां पे इन्फेक्शन हो जाता है। और एक महिला में भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कह लीजिए, यानी जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एसटीडी, इसकी वजह से होता है, सेक्स करने की वजह से होता है, इसीलिए कहा गया है कि जब भी सेक्स करे कॉन्डम के साथ करे। दूसरा, अगर किसी महिला को यूटीआई की प्रॉब्लम है तो प्रेगनेंसी के टाइम में तो होता यह है कि वो यूटीआई कुछ समय के लिए है, लेकिन
आपने ऐसे ही जाकर के ओवर द काउंटर ड्रग्स ले लिया। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि आपने गए आप फार्मासिस्ट के पास किसी ड्रग स्टोर में और आप उनको बोले कि अच्छा अब मुझे ये प्रॉब्लम है, आप मुझे दवा दे दीजिए। तो बिना डॉक्टर से दिखवाए अगर आपको यूटीआई की समस्या है और आपने कोई दवाई खाया है तो हो सकता है कि सही तरह से आपका जो डायग्नोसिस है वो ना होने की वजह से आपको बार बार एक ही इन्फेक्शन लगे। तो इससे अच्छा है कि एक बार जाइए, चेकअप करवाइए और तब जाकर के आप अपने बॉडी की अच्छे से जांच करवाइए और आपको कारण पहले ढूंढना है कि किस कारण की वजह से मुझे हुआ है। अगर किसी महिला के किडनी में स्टोन है उसकी वजह से भी उनको भी हो जाता है, किडनी में स्टोन है, पानी कम पीती है उसकी वजह से भी हो जाता है। तो महिला में तो डायरेक्ट क्या है, डायरेक्ट उनके पास है वेजाइना। तो वेजाइना में अगर आप टेम्पोन यूज करते हैं, टेम्पोन क्या होता है, जिस तरह पैड्स होता है तो महिला पीरियड्स के टाइम में पैड्स यूज करती है, तो टेम्पोन भी उसी टाइप का होता है और उसको वेजाइना में फिर डाला जाता है। तो वो उसकी वजह से बहुत सारे महिला को इरिटेशन, वहां पे इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन, ये सभी चीजें हो सकती है, तो उनको भी पेशाब में जलन होता है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि आपने कोई दवाई खाया, आपको कोई और प्रॉब्लम है, तो आपको दवाई दिया गया एंटीबायोटिक्स का। तो जब आप एंटीबायोटिक्स की दवाई खाते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, तो आपको रिकरेंट यूटीआई हो जाता है। क्या होता है? रिकरेंट। अब इसका मतलब क्या है? रिकरेंट यूटीआई का मतलब यही है कि आपको कुछ टाइम के लिए इस दवाई की वजह से यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक में आपके इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से आपको पेशाब करने में तकलीफ होती है, पेशाब हल्का गाढ़ा रंग का होता है, दर्द होता है। और इसीलिए कहा गया है कि आप कॉन्डम्स का इस्तेमाल करें ताकि आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज ना हो। सेक्स करने की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है, सिफिलिस हो गया, गोनोरिया हो गया, साथ में एचआईवी हो गया, तो ये सब क्या, ये सब ट्रांसफर हो जाते हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। तो आपको ख्याल रखना है खुद का भी, साथ में दूसरे का भी। अगर आपको है कोई प्रॉब्लम, आपको अगर एसटीडी की प्रॉब्लम है, आपको अपने हेल्दी पार्टनर को फिर इन्फेक्टेड नहीं करना है, ये बहुत गलत बात है। आपको बताना है और आपको कॉन्डम यूज करना है तो आप सेफ जोन में रहेंगे, क्योंकि आप अगर खुद इन्फेक्टेड है तो दूसरे को आप इन्फेक्टेड नहीं कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें अगर डायग्नोसिस करनी है तो पहले हम कारण तो जानेंगे किस कारण की वजह से, किडनी में स्टोन है, एसटीडी है, पानी कम पीता है हमारा पेशेंट। तो जब हमें कारण पता लग जाएगा उस वजह से हम उनको दवाई दे सकते हैं। उसके अलावा आप घर में क्या कर सकते हैं, खुद से आप क्या कर सकते हैं, खुद का ख्याल आप कैसे रख सकते हैं? पहला तो ये कि आपको अच्छे से एक गर्म पानी लेना है ग्लास में और थोड़ा सा नींबू आपको इसमें डालना है और उसमें थोड़ा सा शहद मिलाना है और फिर उसको मिला करके फिर आपको खाली पेट रोज पीना है। दूसरा ये कि आपको खीरे का जूस बनाना है, साथ में उस जूस में आपको थोड़ा सा एक चम्मच शहद ऐड करना है, मिला देना है, और उसमें थोड़ा सा नींबू का रस भी मिला देना है, और फिर उसको तैयार करके फिर आपको खाना खाने के 2 घंटे के बाद दिन में 2 से 3 बार उसको पीना है, तो आपके बॉडी के लिए बहुत अच्छा होगा, बॉडी में ठंडक होगी। तीसरा ये कि आप एक गर्म पानी ले ग्लास में और उसमें आप सेब का सिरका और उसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर के आप इस घोल को पी सकते हैं डेली। साथ में आपको नारियल पानी पीना है, अगर आपको पेशाब में जलन होता है तो, तकलीफ होती है तो, बॉडी में गर्मी हो गया हो तो नारियल पानी आप पी सकते हैं। इसके अलावा आप दही खा सकते हैं, खाने में खाइए दही तो बहुत अच्छा होगा। अगर कोई व्यक्ति स्मोकिंग करता है तो आप क्या बोलेंगे उसको, उसको यही बोलेंगे कि आप स्मोकिंग छोड़ दो। लेकिन मेन फैक्टर ये है कि अगर किसी को पेशाब में जलन होता है और अगर वो मेल है या फिर फीमेल है और कोई भी है, तो बहुत बड़ा रीजन ये है कि वो सिगरेट पीता हो, स्मोकिंग करता हो। आपको नहीं पता लेकिन बहुत सारे लोग सिर्फ कूल बनने के लिए, लाइफ में ये नहीं किया तो क्या किया, ऐसा डायलॉग होता है ना, उसको करने के लिए ये पीते हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि बॉडी में कितने सारे प्रॉब्लम्स इनकी वजह से हो जाएंगे। तो कूल नहीं बनना है, आप अपने सपनों को पूरे कीजिए, मजे को पूरे अभी मत कीजिए, सपना पहले पूरा होना चाहिए, तब जाकर के आप सोचेंगे कि हाँ मैं कुछ हूं। क्योंकि इसको करने से पहले आपको यह सोचना है कि आप अपने बॉडी को कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट होता है और सेल्फ लव का मतलब ही यही होता है कि आपको अपने लाइफ में कहां पहुंचना है ये आपको पहले से मालूम होता है। आप कितना सेक्रीफाइस करते हैं अपने ड्रीम के लिए ये आपको पहले से पता होना चाहिए और पता होता है। बहुत सारे लोगों में ये डेडिकेशन होता है कि हाँ मुझे ये चीज करनी है तो बस करनी है, बात खत्म, है ना। तो इस तरह से आप ये सभी चीजों को इग्नोर करके अपने लाइफ को बनाइए और अच्छे से आप पढ़िए। साथ में मैं यही बोलूंगी कि नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।